हरे कृष्णा। सो आज बहुत प्रसन्नता का विषय है कि आज के दिन इतिहास बन रहा है इस्कॉन ग्रेटर नोएडा में कि एक वैष्णवियों की पदयात्रा निकाली जा रही है। वैष्णवी अर्थात सब कुछ महिलाओं के द्वारा, माताजियों के द्वारा किया जा रहा है। और ये पदयात्रा क्या है? पदयात्रा का अर्थ होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर भगवान को लेके जाना चलते हुए, और बीच स्थानों में प्रसाद का वितरण, हरिनाम का वितरण। ये बहुत महत्वपूर्ण, और ये आज नहीं बहुत पहले से है, और ये विशेष इसलिए भी है कि ये किया जा रहा है परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की बहुत जल्द अब 75वीं व्यास पूजा मनाने जा रहे हैं। तो उस उपलक्ष्य में वर्ष भर के लिए कई कार्यक्रम हो रहे हैं और उनमें से ये कार्यक्रम है, और हमें बड़ी प्रसन्नता है कि ये सारा कार्य, सारी व्यवस्था वैष्णवियों ने की है। विशेष आभार, धन्यवाद देना चाहते हैं पूर्णानंदी माता जी का, जिन्होंने आगे बढ़कर इसको प्रयास किया कि सब लोग जुड़ें। और हम दुर्भाग्य से वहाँ नहीं हैं, लेकिन हम सुन रहे हैं कि आप सब बहुत मेहनत कर रहे हैं, कई तैयारियां की हैं, और बहुत से वैष्णवी आने वाले हैं। तो हमारी आप सब से विनती है कि पूरे उत्साह से इसमें भाग लीजिए। ये प्रारंभ होकर हमारे मंदिर इस्कॉन मंदिर जीटा में जो मंदिर है वहाँ पर आएगा और प्रारंभ होगा, तब आप लोग भी वहाँ से लेकर अंत तक कृपया बने रहिए। और जोर से कीर्तन, ऐसा लगे कि सारा जो ग्रेटर नोएडा है उनको पता चलना चाहिए कि भगवान के हरि नाम की क्या शक्ति है। तो इसलिए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप सबका आभार कि आपने इस कार्य को महाराज की प्रसन्नता के लिए, श्रील प्रभुपाद की प्रसन्नता के लिए और कृष्ण के नाम के गुणगान के लिए किया, और आप सब पर उनकी कृपा निश्चित होगी। हरे कृष्ण।